जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं उनकी भी संदेश दे वहां भाई तो हमें कोई ठेकेदार नहीं हरियाणा के। हरियाणा सदा से देश की भावना के साथ भारत देश के साथ अटूट प्रेम से और अटूट रूप से जुड़ा रहेगा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ बड़ी खबर के साथ। कहें या फिर फिलहाल भारत के अंदर ट्रेंडिंग के अंदर मुद्दा चल रहा है पंजाब में खालिस्तान का, उस पर बात करेंगे हमारे इंटरनेशनल हरियाणा पार्लियामेंट जो कि भाई उसका अध्यक्ष बनाया गया है सौरव डांडा भाई, बातचीत करेंगे जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। भाई बात करा फिलहाल पंजाब के अंदर एक मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है पूरे भारत में उसकी चर्चा है, अमृतपाल सिंह जो लगातार खालिस्तान की मांग करने लग रहा है, क्या कुछ विचार आप लोगों के इस मुद्दे पर है? विचार भाई इस मामले में हमारे बिल्कुल स्पष्ट है भाई, जो देश की टुकड़िया की बात करेगा चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो किसी भी जाति से संबंधित हो वो देश का नहीं उससे पहले हमारा दुश्मन है और हम उसका उन्हीं की भाषा में जवाब देने में सक्षम है और उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। आप देख रहे हो भाई पिछले एक साल तक जब से यो अमृतपाल है जो पिछले 6 महीने तक पंजाब में आया है और किस तरह तक खुद ने सेल्फ प्रोजेक्शन इसने कराया है पंजाब में आने के बाद। और समस्या इस बात से नहीं है कि पंजाब में खालिस्तान की आवाज बड़े लंबे समय से उठती रही है, तो पंजाब में और जो विदेश में कनाडा में लगाओ आप, यूके में लगाओ, ऑस्ट्रेलिया में लगाओ, ये जो लोग हैं ये जो देश विरोधी संगठन है, देश विरोधी जो ताकते हैं, पाकिस्तान की एजेंसियां लगा लो या फिर खालिस्तान की एजेंसियां लगा लो, जो बड़े लंबे समय से खालिस्तान की मांग उठा रही हैं, ये बड़े लंबे टाइम तक विदेशों में आपकी मांग उठा दे रही हैं। और जो 20-30 साल पहले हमारे यहाँ पे खालिस्तान की मांग हुई थी जिसके बाद बड़े भयंकर दंगे हुए हैं, आपसी सामाजिक भाईचारा, धार्मिक वातावरण खराब हुआ था हमारा, उसके बाद ये लगातार दबी हुई थी। लेकिन एजेंसियों के द्वारा तैयार किया हुआ एक ऐसा शख्स जो पिछले 6 महीने में अपना खुद का जन समर्थन इस स्तर पर तैयार कर ले है, तो आप समझ सको ये किसी किस तरह से प्रोपगेट कराया गया है, ये एक डर तो प्रोपगेंडा है। और समस्या हरियाणा में भी इस बात की हो रही है, हमारे विदेशों तो भी भाइयों फोन आवा है जो आपस के चारों तरफ के भाई हैं वो भी एक के बात कौन है भाई, हमारा हरियाणा में यह मांग नहीं उठ रही, लेकिन जब पंजाब वाले इस बात ने ठावे हैं तो अपने हरियाणा में भी कुछ मिशन वाले हैं या फिर कुछ जो देश विरोधी आदमी हैं जो लगातार जाति का नाम लेके या छोटू राम जिया का नाम लेके ना, एक यूनाइटेड पंजाब का नाम पर अलग नेशन का नाम लेके ना, जो हमारे समाज ने बरगड़ाने का और जो हरियाणा का ने देश से तोड़ने का काम करने की सोचे जा रहे हैं और अमृतपाल का साथ देने की इनडायरेक्ट रूप से घोषणा कर रहे हैं, आज मैं उनके बारे में आपसे बात करना चाहूं भाई। इस बारे में अगर कोई भी विचार भी आपके दिमाग में लेके आया है तो उसका हमें उसी की भाषा में जवाब देने में सक्षम है और उसका जवाब दिया जाएगा, ऐसी सीधी चेतावनी दी जा रही भाई। जब बात करा आपने लगातार ये बताया कि खालिस्तान की मांग करना गलत है, लेकिन जनता के अंदर से बहुत सारे इस प्रकार के सवाल आने लग रहे हैं कि जब हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की मांग उसका है तो पंजाब के अंदर जो सिख है वो खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही बात आपकी, हिंदू राष्ट्र की जो मांग है हम हिंदू राष्ट्र के भी खिलाफ हैं भाई, अब हमारा देश लोकतंत्र पर आधारित है और लोकतंत्र के अंदर हम किसी भी धार्मिक विचारधारा पर एक संगठन या फिर एक देश का नाम नहीं बना सकते। हिंदू राष्ट्र एक वैदिक सनातन धर्म का हमारा हिंदुस्तान तो है, लेकिन हम एक वर्बली बोल सका है बात, लेकिन हम इसकी मांग बिल्कुल नहीं कर सकते। हम वो बाबा है जो उसके खिलाफ भी, हाँ हम पाखंड के बिल्कुल खिलाफ हाँ, लेकिन जो देश को तोड़ने की बात है ना, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं भाई, अलग से देश के टुकड़े करने की जो बात कर रहे हैं खालिस्तान वाले, वो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करी जाओगी। सब देखा खालिस्तान का नाम पे एक सोसाइटी बनाई गई है जो बाहर देश तो ऑपरेट होने लग रही है, लगातार हरियाणा में खेतड़ के अंदर एक प्लांट के ऊपर पर्चा चिपका दिया था कि उड़ा देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे, खेतड़ प्लांट की बात है और जो रेलवे ट्रैक है उसे उखाड़ने की बात हुई थी, किस प्रकार तक सोचो इसके बारे में? तो हम भाई इन्हें लोगों के लिए हम आज आपके बीच में आए हैं भाई, हैं उड़ान वाले जमान वाले, इनका उड़ान वाला जो इनका नेता है वो ही बाजदा घूम रहा है भाई, जो गुरु ग्रंथ साहिब है जो सिख धर्म है उसकी हम बहुत बड़ी इज्जत करा हैं, बहुत ज्यादा इज्जत करा, उनका बहुत सम्मान है, उनके हमारे इतिहास में हमारे धर्म के लिए हमारे समाज के लिए हमारे देश के लिए मुगलों के साथ युद्ध में बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, इसलिए हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को आगे रख के ना, और जो थाना पर हमला कराया गया वो कोई मर्दों वाली वो कोई सिखों वाली बात थोड़ी नहीं थी, वो गुरु ग्रंथ साहिब का नजायज जो इस्तेमाल कराया गया, इसलिए हम तो चाह रहे हैं कि सिख समाज भी उसका विरोध करे, लेकिन वो विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हम अगर हरियाणा में ऐसी ताकतें ऊपर कराती हैं तो पहले से सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि वो इनका इलाज करे, अगर सरकार से नहीं होता तो जिस तरह समाज तोड़ने वाले राजकुमार सैनी का हमने इलाज किया था उससे भी कठोर भाषा में इन लोगों का इलाज करेंगे जी।
जब पंजाब के एक थाने थे हथियारबंद होके एक उनके जो अमृतपाल सिंह है उसके संबंध में कोई व्यक्ति था उसको छुटा के लिया जा, छुटा के ले आवा जा हुआ है। बिल्कुल, किस तरह विचार करो? वो जो पुलिस है वो पुलिस की मैं एक समझदारी की बात कहूंगा, क्योंकि वहां पे एक गुरु ग्रंथ साहिब को आगे रखे ना है और वो लोग सिखों की जो धार्मिक भावना है उसको भड़काना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि जब गुरु ग्रंथ साहिब आगे हैं तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए वापिस अटैक करेगी, और वापिस अटैक करेगी तो गुरु ग्रंथ साहिब को नुकसान होगा, और गुरु ग्रंथ साहिब को नुकसान होगा तो एकदम पंजाब का माहौल खराब होगा, और यही वो लोग करना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने वहां पे अपना संयम बरतते हुए खुद ही लाठियां खा ली और उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो समाज को और पंजाब को एक संदेश देना चाह रहे थे कि हम पंजाब का माहौल खराब नहीं देना होना देना चाहते, और गुरु ग्रंथ साहिब की हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। वो एक कारण, मेजर जो कारण था वो यही रहा था। और अमृतपाल उसको एक तरह से कमजोरी मान गया, उसको लगा कि अब तुझे हिंदुस्तान में कोई टोकने वाला ही नहीं है। लेकिन भाई उसको टोकने वाले भी हैं, उनको जवाब देने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, और हम इसका जवाब उसी तरह से देंगे। टोकने वाले भी, ठोकने वाले भी हो गए। यह तो बिल्कुल ही बात है, हमारा रिकॉर्ड बोलता भाई। धन्यवाद भाई सर। देश से बाहर रहने वाले हरियाणा और पंजाब के जो अपने मुल्क से बाहर नौकरी करने खातर जा रहे हैं, लगातार उनमें सुनने में मिला कि मन मुटाव हो गया, तो उसका बारे में आप क्या सोचो? ये हरियाणा का इतिहास रहा है, वो हरियाणा वाले पंजाब वालों को अपना बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन जब भी बात देश की आती है तो हरियाणा देश प्रेम के खिलाफ में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। और यही कारण रहता है कि जो पंजाब के साथी विदेशों में लंबे समय से हैं तो वहां पे खालिस्तान की भावना बहुत पहले से सुचारू रूप से चली हुई है, और हरियाणा वाले उनका विरोध करते हैं, और पंजाब की संख्या ज्यादा होने के कारण वो उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सिर्फ यही संदेश है भाई, हरियाणा का उगाना भी है बस दबिया नहीं करते। हरियाणा वाले छोटे मोटे जो संगठन बनाए गए ना और जो पंथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे जो भाईचारा है भाई उसने अपनी ताकत से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा साफ संदेश है भाई, जो सच है और जो सत्य है और जो सही है, हरियाणा सिर्फ उसे का साथ देगा। और जो हरियाणा के ठेकेदार बने हैं विदेशों में भी, जो ठेकेदार बन रहे हैं जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, उनकी भी ये संदेश दे वहां भाई, तमें कोई ठेकेदार नहीं हरियाणा के। हरियाणा सदा से देश की भावना के साथ, भारत देश के साथ अटूट प्रेम से और अटूट रूप से जुड़ा रहेगा, और आप इसको तोड़ने की नाकाम कोशिश मत करना, नहीं तो आपको वहां भी और हमारे देश में भी हरियाणा में भी इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में आप बात करते हो। जी धन्यवाद। धन्यवाद भाई। देखने वाली बात है, जो भारतीय गवर्नमेंट है, सरकार है, किस प्रकार से जो ये खालिस्तान वाला मुद्दा इसने सोल्व कर पाया है, इसका समाधान कर पाया है भाई। जुड़े रहिए और वीडियो ज्यादा शेयर कर दियो। इसे कल अपने वीडियो में विराम दूं। जय हिंद, जय भारत।